नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। पांच बजने वाले हैं और हम हाजिर हैं पांच बड़ी खबरों के साथ। पांच की आज में आज बात होगी, मध्य प्रदेश में विधानसभा सचिवालय ने मौजूदा 30 विधायकों को घर खाली करने का नोटिस भेजा है। साथ ही बात करेंगे कृषि मंत्री कमल पटेल के विवादित बोल की। पांच की आंच में बात होगी इंदौर में कुत्तों के आतंक की। साथ ही बात करेंगे मिनी मुंबई में क्यों बेखौफ है बदमाश। बात होगी छत्तीसगढ़ के धान किसानों की, जो नई सरकार का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। तो ये पांच की आंच की पांच बड़ी खबरें, पांच बड़ी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। तो किसने कहा है घर खाली करो? जी हां, बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा सचिवालय ने सिटिंग 30 विधायकों को घर खाली करने का नोटिस भेज दिया है। ये वो विधायक हैं जिनके टिकट कट गए थे और वो चुनाव में नहीं उतरे थे। इनमें बीजेपी और कांग्रेस के एमएलए शामिल हैं। दरअसल इन घरों को अब नए चुनकर आने वाले विधायकों को दिया जाना है, लिहाजा घर खाली करना पड़ेगा। ये निर्देश इन्हें दिए गए हैं। तो बता रहे हैं घर खाली करने का नोटिस दिया गया है। ये वो विधायक हैं 30 जो बीजेपी और कांग्रेस के मिलाकर हैं। बता देंगे आपको कि इन्हें इनकी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, ना ही चुनाव मैदान में उतरे। तो ऐसे में अब इन्हें घर खाली करने का फरमान दिया गया है। तो कुल 30 ऐसे विधायक हैं जिन्हें इस बार उनकी पार्टी ने टिकट नहीं दिया और अब उनके सामने सरकारी घर खाली करने का संकट है। इन 30 विधायकों में जो बड़े चेहरे हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं। जालम सिंह पटेल हैं, नरसिंहपुर से बीजेपी के विधायक हैं और इनका टिकट कटा है इस बार। और देखिए आकाश विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे, इंदौर 3 से बीजेपी के विधायक है, पार्टी ने इनके पिता को उतारा लेकिन इनको टिकट नहीं दिया। पारस जैन उज्जैन उत्तर से बीजेपी के विधायक हैं, इनका भी टिकट कटा है। राम दांगोरे पंधाना से बीजेपी के विधायक हैं, इनका भी टिकट कटा है। तो ऐसे में इन्हें भी चिट्ठी मिली है। रक्षा सरोनिया भांडेर से, माफ कीजिएगा, बीजेपी के विधायक है, इनको भी घर खाली करने का नोटिस मिला है। वीरेंद्र रघुवंशी हैं, कोलारस से बीजेपी के विधायक है, इन्हें भी अपना घर खाली करना होगा। रामचंद्र दागी ब्यावरा से कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस का टिकट नहीं मिला। मेवाराम जाटप हैं, गोहद से कांग्रेस के विधायक है, इन्हें भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। राकेश मावई हैं, मुरैना से कांग्रेस के विधायक हैं, इन्हें भी घर खाली करना होगा। ग्यारसी लाल रावत सेंधवा से कांग्रेस के विधायक और इन्हें भी अपना घर खाली करने का फरमान मिला है और इन्हें कहा गया है कि घर खाली करो ताकि जो नए विधायक चुनकर आएंगे उन्हें सेटल करने में आसानी होगी और उन्हें घर दिया जाएगा। और बता दें आपको कि देखिए 30 विधायक हैं जिन्हें टिकट नहीं मिल पाया, उनकी पार्टी की ओर से चुनाव मैदान में नहीं उतरे। तो ऐसे में अब उनके सामने घर खाली करने का संकट है। इन 30 विधायकों में जो बड़े चेहरे हैं उनके बारे में हमने आपको बताया। ये 30 विधायक बीजेपी और कांग्रेस के हैं। कहा गया है कि अब आपको घर खाली करना होगा क्योंकि जो नए विधायक आएंगे उनको ये घर अलॉट किए जाएंगे। तो ऐसे में वो कौन कौन से बड़े चेहरे थे, हमने आपको बताया कि उन्हें घर खाली करने का ये फरमान मिला है विधानसभा सचिवालय की ओर से और अब माननीयों को ये घर खाली करने होंगे। कब तक की समय सीमा दी गई है, क्या कहा गया है फरमान में, वो हम बात करेंगे। भोपाल से हमारे साथ शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, 30 माननीयों को मिला है फरमान, क्या कहा गया है फरमान में? देखिए अब विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं और ये वो 30 विधायक हैं जिनके कि इस बार टिकट कट गए थे। तो इसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही विधायक शामिल है। इन सभी विधायकों को विधानसभा की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है। इन्हें कहा गया है कि वो अपना निवास जो भी जहां भी रह रहे हैं वो खाली करें क्योंकि नई विधानसभा का गठन होना है और नए विधायक आएंगे तो 3 दिसंबर को नतीजे आना है, उसके बाद निश्चित ही, क्योंकि उसी महीने विधानसभा सत्र भी होगा, विधायकों की शपथ होगी, तो विधायक यहाँ
यहाँ पर रुकेंगे जो नए आएंगे, और तो इसलिए अभी से एहतियातन या सभी को नोटिस देकर कहा गया है कि वो जल्दी से जल्दी अपनी खुद की व्यवस्था कर लेवें ताकि नए जो विधायक आएंगे उनको अलॉटमेंट की प्रक्रिया की जा सके। तो विधानसभा जब भी चुनाव के बाद इस तरह का नए चुनाव होते हैं तो ये प्रक्रिया को करता है नोटिस। तो शैलेंद्र, सरकार को ये विधायकों को छोड़ दिया गया कि कब तक वो घर खाली करे, या कोई डेडलाइन भी दी गई है? देखिए बिल्कुल, अभी जो ये पहला पत्र जारी किया गया है तो अभी इसमें किसी तरह की मोहलत नहीं दी गई है, पर कहीं ना कहीं एक माह का एक समय होता है कि एक माह में आप अपनी व्यवस्था देख लेवे ताकि अगले महीने से दूसरे विधायकों को मकान अलॉट किया जा सके, आवाज दिए जा सके। लेकिन ये भी होता है कि कई बार ये प्रक्रिया चलती है, और पिछले चुनाव में भी जब 2018 की बात थी तो बीजेपी कांग्रेस सरकार आई थी, लेकिन अचानक से दो साल बाद 15 महीने बाद बीजेपी सरकार आ गई थी, तो उस समय भी ये बड़ा गतिरोध हुआ था कि बीजेपी के विधायक कांग्रेस के विधायकों ने खाली नहीं किया था, तो बहुत दिनों तक कई विधायकों को अपने किराए के फ्लैट में रहना पड़ा था। तो ये एहतियातन विधानसभा का यही कदम है कि जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को कर लें ताकि नए विधायकों को कहीं दूसरी जगह पर ना रहना पड़े। तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है ये, और इसको एक महीने का लगभग नोटिस की तरह माना जा रहा है कि एक महीने में आप लोग खाली करके अपनी नई व्यवस्था देख ले रहे हैं। तो विधायकों से शैलेंद्र आपकी बात हुई है, जिनको ये फरमान मिले हैं, क्या उनकी तरफ से कोई रिएक्शन मिल पाया है? देखिए विधायकों का भी कहना है कि निश्चित ही अब क्योंकि उनका टिकट कटा है तो वो कहीं ना कहीं अनियंत्रित व्यवस्था देख रहे हैं, कहीं शिफ्ट होंगे। हो सकता है इसमें ये भी होगा कि कुछ कमजोर विधायक हैं जो कि जिन्हें मजबूरन जल्दी खाली करना पड़े, लेकिन कई ऐसे भी विधायक होते हैं दबंग, या वो कुछ दिन और मोहलत ले सकते हैं, या वो खाली नहीं करेंगे तो विधानसभा को उसकी एहतियातन व्यवस्था भी करना पड़ी है। इसीलिए जो विधानसभा के 30 दिन का समय है विधायकों के पास, इन्हें फरमान मिला है अपना घर खाली करने के लिए। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे 5 की 8 में बात करते हैं अब बीजेपी की, जहां एमपी में चुनाव निपटने के बाद बीजेपी प्रदेश दफ्तर पहुंचे कैबिनेट मंत्री कमल पटेल ने दिया है विवादित बयान। जी हां, एमपी में सरकार बनाने का दावा कमल पटेल ने किया और कहा कि फिर से सरकार बना रहे हैं, साथ ही हरदा में अपनी सीट पर जीत का दावा भी किया। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र जैन के कांग्रेस में जाने और बगावत पर उनका कहना था कि कई बार कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे होकर समझता है कि वो बैलगाड़ी खींच रहा है, पार्टी में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कमल पटेल के यहां बोल बिगड़े और यहां सुरेंद्र जैन के जाने को लेकर उन्होंने ये बयान दे दिया। मुकाबला बड़ा कड़ा था और आपके विश्वस्त साथी भी पार्टी छोड़ गए तो कुछ नहीं, कई पार्टी छोड़ के गए, उनके क्या हाल हुए? ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ विचारधारा के लिए काम करते हैं। कोई नेता जाता तो सिंगल बत्ती हो जाता, कोई दूसरा नहीं जाता साथ में जब तक पार्टी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुतिया गाड़ी के नीचे चलती तो उसको लगता है कि गाड़ा मेरी बल पे चल रहा है, गलत फहमी हो जाती है नेताओं को, और इसलिए जब आखा टूटता तो कमर टूट जाती है, तो इसलिए वो निपट के गए। कोई नहीं गए, एक आदमी नहीं गया कहीं साथ में, और इसलिए उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई, और इसलिए कोई टेंशन नहीं ना। और हमने तो कहा था जिनको जाना तिलक साल श्रीफल दे देते हैं, वो पार्टी छोड़ के जाओ, विरोध पार्टी में रहकर विरोध करना ठीक नहीं, और इसलिए जो गए उनका स्वागत है, हमने कोई टेंशन नहीं। वहीं राजधानी रायपुर में कुत्तों का आतंक जारी है। रामनगर स्थित गुलमोहर पार्क में एक मासूम बच्ची पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया और 2.5 साल की इस बच्ची को नोच नोच कर जख्मी कर दिया, जिसके बाद बच्ची को अस्पताल में एडमिट कराया गया। वहीं कांकेर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ने लगा है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, लोग अब घर से निकलने से डर रहे हैं। शहर के चौक चौराहों पर 50 से ज्यादा आवारा कुत्ते मौजूद रहते हैं, जिससे लोगों में दहशत है। शिकायत के बाद भी नगर प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, इससे लोग डरे हुए हैं, उनका जीना मुश्किल हो गया है। 2.5 साल की बच्ची पर किस तरह कुत्तों ने हमला किया है कि वो तस्वीरें हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं, तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, तो ऐसे में हमें ब्लर करनी पड़ रही हैं। लेकिन रायपुर और कांकेर की दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तरफ कांकेर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आवारा कुत्ते आपको सड़क पर नजर आ रहे हैं। वहीं इंदौर में 8वीं के एक छात्र को पालतू कुत्ते ने काट लिया। कैलोद काकड़ में 8वीं के छात्र को पड़ोसी के कुत्ते ने काट लिया। इतना ही नहीं, काटने के बाद छात्र को मुंह में दबाकर भी घसीटा। पुलिस ने कुत्ते के मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया है। शिकायत के बावजूद कुत्ते को मालिक ने खुला छोड़ा हुआ था। लसूड़िया थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। वही
बिलासपुर में आवारा कुत्तों का आतंक थमता नजर नहीं आ रहा है। बीते दिनों 4 साल की बच्ची पर खूंखार कुत्तों ने हमला कर दिया। गंभीर हालत में बच्ची को अस्पताल में एडमिट कराया गया। बता दें कि CIMS मेडिकल कॉलेज के आंकड़े के मुताबिक रोजाना 60 से 65 मरीज डॉग बाइट का शिकार हो रहे हैं। बिलासपुर में भी कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। कुत्ते के काटने की वजह से जो मरीज है वो इस तरीके से अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस बच्चे को भी कुत्ता काटा है। दिखाओ बेटा कहाँ पे है, ये देख सकते हैं कि ये इस तरीके से जो कुत्ता है वो बुरी तरीके से लोगों को जख्मी कर रहा है। अलग अलग चौक चौराहों में शहर की बात करें तो वहाँ पर जो है कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। आप कहाँ से आ रहे हैं? बिलासपुर से। कहाँ पर काटा? बिलासपुर से मेरे बेटे को काटा है, मतलब जाएंगे, मतलब है दशहरे के दिन काटा था कुत्ता, और बहुत इसकी दूसरी बार हो गया इसको कुत्ता काटते हुए। ये कहाँ पर काटा कुत्ता? ये यहाँ पर से नहीं है। नहीं, इलाका कौन सा? सिरगिट्टी आता है, ये नगर निगम बिलासपुर में। तो क्या वहाँ पर हमेशा इस तरीके का? वहाँ बस कुत्तों का पहुँच और झुंड है। वहाँ कम से कम नहीं तो 10 से 20 बच्चों को वापस काट दिया गया कुत्ता। इसकी वजह से कई लोग कुत्ता का मतलब वहाँ बताए एक घनी आबादी है, उसके वजह आज कई लोग मतलब कुत्ता घर में पाले उसको भी छोड़ दे रहे हैं, उसके बाद भी मतलब काट दे रहे हैं। तो ये कब बनाते हैं अपना शिकार ये कुत्ते? ये अधिकतर मतलब शाम को मतलब रहते हैं, शाम को बच्चे मतलब ट्यूशन से आ रहे हैं। उस बच्चा हमारा ट्यूशन पढ़ने गया था, उसके बाद आते आते घर के गेट घुसते में उसको चढ़ के काट दिए। तो ऐसे कितने लोगों को जख्मी कर चुके हैं? अब सिरगिट्टी में तो कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल से भी 10-12 लोग को हो गए। मतलब आप लोग कहाँ से आए हैं? समरताल। क्या हुआ है? कुत्ता काटा है। कहाँ से ये आ रहा था और कितने झुंड में कुत्ते हैं? स्कूल जा रहा था तब कुत्ता काट दी से दौड़ा कर, है ना, यही बात है ना। चलिए हमारे साथ यहाँ पर मैडम है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, पर डे कितने जो मरीज हैं कुत्ते की काटने से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, पर डे कितने मरीज आ रहे हैं? 50 से 60 मरीज तो डेली आ जाते हैं हमारे पास में इंजेक्शन लगवाने के लिए। और महीने की बात करें तो एक माह में करीबन एक महीने में वही 1,500। लगातार जो कुत्ते बढ़ रहे हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं जो खतरा है वो आम लोगों के लिए बनता जा रहा है। बिलासपुर से न्यूज 18 के लिए उमेश मौर्य। और अब बात करते हैं बेखौफ बदमाश की, इंदौर की, जहां बदमाश बेखौफ हैं, खुलेआम वफ्ता वसूली भी कर रहे हैं। मिनी मुंबई कहा जाता है इंदौर को। ऐसे में इंदौर में नशेड़ी बदमाशों का इन दिनों आतंक है। नशेड़ी बदमाशों की हफ्ता वसूली का एक वीडियो सामने आया है जो आपके टीवी स्क्रीन पर है। इसमें आप देख सकते हैं कि व्यापारी को धमकाता हुआ एक शख्स नजर आ रहा है। मसाला व्यापारी ने इंदौर पुलिस में शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने नशेड़ी बदमाश जावेद को अरेस्ट कर लिया। अरे तू बहुत परेशान कर यार, तो बोल दे भी पैसे ही नहीं, बात खत्म हो गई। अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां कई जिलों में धान खरीदी जोरों पर है, लेकिन जांजगीर चांपा जिले में 21 दिन बाद भी धान खरीदी केंद्र में किसी भी किसान ने धान नहीं बेचा है। जिले में 129 धान खरीदी केंद्र हैं, किसी केंद्र में किसान ने ना धान बेचा है ना टोकन कटा है। किसान कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा। किसान कह रहे हैं कि जब तक नई सरकार नहीं बनती है तब तक वो इंतजार करेंगे। एक नवंबर से धान का खरीदी तो प्रारंभ हो गया है, लेकिन हम किसान अभी अपने धान को रोक कर रखे हैं, क्योंकि दोनों पार्टी कांग्रेस और भाजपा वाले अलग अलग घोषणा किए हैं। कांग्रेस वाले किए हैं 20 क्विंटल और 3200 रुपया पर क्विंटल लेने का। भाजपा की तरफ से हुआ 21 क्विंटल और 3100 रुपया पर क्विंटल लेने का। तो हम देख रहे हैं चुनाव का परिणाम का इंतजार कर रहे हैं हम किसान लोग। और धान जो सोसाइटी में अभी नहीं जाते, क्योंकि आप मन पूछा था तो नहीं जाए के कारण ये है कि सरकार दूर बीजेपी वाला 3200, कांग्रेस वाला 3200 बोले, बीजेपी वाला 3100 बोले, तो काकर सरकार बना थे एकर हिसाब से इंतजार में किसान मन धान ला अभी सोसाइटी में नहीं लेगा थे। क्लियर हो जाए तो 3 तारीख के बाद सबके धान जाना शुरू हो जाए। अभी हमन 3 तारीख के इंतजार करत हन, 3 तारीख के सरकार बनी, घोफड़ा जो किए वो अनुसार अगर धान ली तो हिसाब से भेज। वहीं वर्ल्ड कप का फाइनल हारने के बाद प्रधानमंत्री मोदी टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम पहुंचे, जहां उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात करके उनका हौसला बढ़ाया। ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से मिलने का उनका वीडियो सामने आ गया है।
ये तो होता रहता है। दूसरा ये भाई देश आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल लू कर सबको। होता है। कहा राहुल कहते हैं आप लोग मेहनत बहुत की है लेकिन कहा बाबू। क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने का मलाल पूरे देश को हुआ लेकिन पूरा देश भारतीय खिलाड़ियों के साथ खड़ा है क्योंकि एक मैच हारने का ये मतलब नहीं होता कि अब कुछ नहीं बचा। आगे भी कई मौके मिलेंगे। फाइनल मैच के बाद टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम से आई ये तस्वीरें भावुक कर गई। प्रधानमंत्री मोदी खुद खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए उनसे मिलने पहुंचे। सभी खिलाड़ियों से मिलकर यही संदेश देने की कोशिश की कि आप फाइनल नहीं जीते तो क्या हुआ है, आप सभी चैंपियन हैं, पूरा देश आपको विजेता मानता है। जिस तरह से पूरे 1.5 महीने भारतीय टीम ने अपने दमदार प्रदर्शन से दूसरी टीमों में खलबली मचाई और सभी टीमों को हराया, पूरा देश टीम इंडिया के फाइटर स्प्रिट को सलाम करता है। प्रधानमंत्री मोदी ड्रेसिंग रूम में गए, सभी खिलाड़ी निराश थे, कंधे झुके हुए थे, हार से सभी को बड़ा धक्का पहुंचा था। प्रधानमंत्री ने टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा और वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली के हाथों को पकड़ते हुए उनका हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने दोनों सीनियर खिलाड़ियों से कहा कि ये खेल है और ऐसा खेल में होता है, कोई जीतता है और कोई हारता है। देश आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल लूं सबको। उन्होंने भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ से भी बात की और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले चैंपियन बॉलर मोहम्मद शमी को गले लगा लिया। ये तो होता रहता है। दूसरा ये भाई देश आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल लू कर सबको। होता है। कहा राहुल कहते हैं अरे आप लोग मेहनत बहुत की है लेकिन कहा बाबू। ढीलो ना पड़ दो। तुमने बहुत अच्छा किया इस बार। तू तो गुजराती बोलतो है इसने थोड़ू थोड़ू तर तो घर से। सो आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है और चलिए होता है। होता रहता है ऐसा। और साथियों को एक दूसरे को जरा हौसला बुलंद करते चलिए। और जब आप लोग फ्री होगे कभी दिल्ली आएंगे तो बैठूंगा आप लोगों के साथ। मेरी तरफ से निमंत्रण है आप सबको। कहते हैं भारत में क्रिकेट को धर्म माना जाता है और जब क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल हो तो ये मौका और भी खास हो जाता है। इस बार पूरा टूर्नामेंट भारत में हुआ था। टीम इंडिया ने अपने सभी लीग मैच खेले थे। सेमीफाइनल में भी न्यूजीलैंड को हराकर धमाकेदार अंदाज में फाइनल में एंट्री ली थी लेकिन फाइनल ना जीत पाने का अफसोस रह गया। प्रधानमंत्री मोदी 19 नवंबर के दिन राजस्थान में थे, उसके बाद वक्त निकालकर वो शाम के समय अहमदाबाद के स्टेडियम में पहुंचे थे जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल खेला जा रहा था। भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में जहां चैंपियन की तरह खेला वहीं फाइनल में भी पूरा देश विश्व विजेता बनने का सपना संजोए हुए था लेकिन एक खराब दिन की वजह से भारतीय टीम चैंपियन नहीं बन पाई। ऑस्ट्रेलिया के हाथों फाइनल हारने की वजह से पूरे देश में निराशा थी। टीम इंडिया का भी हाल बुरा था। कैप्टन रोहित शर्मा समेत दूसरे खिलाड़ी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा रहे थे लेकिन पूरे टूर्नामेंट के दौरान टीम इंडिया की जो परफॉर्मेंस रही उसने हर देशवासी के दिल में जगह बना ली। खुद प्रधानमंत्री मोदी मैच के बाद टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम पहुंचे और वो भारतीय क्रिकेट टीम के एक एक खिलाड़ी कोच और सपोर्ट स्टाफ के साथ जाकर मिले। प्रधानमंत्री के साथ
गृह मंत्री अमित शाह और बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज सिटी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांके बिहारी के कॉरिडोर निर्माण का रास्ता साफ करते हुए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत दी है। बिहारी जी कॉरिडोर निर्माण होने के बाद एक साथ 10,000 श्रद्धालु हर दिन अपने आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। कॉरिडोर को 5.65 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा। बांके बिहारी कॉरिडोर को काशी कॉरिडोर की तर्ज पर ही तैयार करने की प्लानिंग भी है। कॉरिडोर बढ़ जाएगा तो हम लोगों के लिए बहुत इजीली दर्शन भी हम कर पाएंगे और जो लोग दूर से आते हैं वो भी आराम से कर पाएंगे। बांके बिहारी के भक्तों के लिए एक अच्छी खबर है, कान्हा की नगरी अब अपने भव्य और दिव्य स्वरूप में लौटने की ओर है। वही ऐश्वर्य, वही वैभव, भोले की नगरी काशी के बाद अब मथुरा के काया पलट की तैयारी है। दरअसल हाईकोर्ट ने बांके बिहारी के कॉरिडोर निर्माण का रास्ता साफ करते हुए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत दी है। बिहारी जी कॉरिडोर निर्माण होने के बाद एक साथ 10,000 लोग आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। कॉरिडोर 5.65 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित है। इसका डिजाइन काशी कॉरिडोर की तर्ज पर तैयार किया गया है। व्यवस्थाएं भी उसी तर्ज पर संचालित होने की बात कही जा रही है। कॉरिडोर बिहारी जी मंदिर के सामने 5.65 एकड़ में प्रस्तावित है, जो जमीन की भौगोलिक स्थिति के चलते दो हिस्सों में होगा। इसे विद्यापीठ और परिक्रमा मार्ग से जोड़ा गया है। प्रस्तावित कॉरिडोर में बिहारी जी के भक्तों की हर एक सुविधा का ध्यान रखा गया है। इसमें एक साथ 10,000 लोगों की मौजूदगी हो सकेगी। इस पर करीब 505 करोड़ रुपए के खर्च का आकलन किया गया है, जिसके लिए करीब 276 से अधिक दुकानों और मकानों का अधिग्रहण किया जाएगा। इसमें 149 आवासीय, 66 व्यावसायिक, 57 दूसरे भवन है। एकदम जश्न होना चाहिए, एकदम उत्साह होना चाहिए। जो हो रहा हमारे ब्रजराज उत्सव में, ये उसका भी उत्सव करेंगे हम लोग। काफी लंबे समय से कॉरिडोर का मामला था, लेकिन अब मोदी जी आ रहे हैं तो लगता है कि कुछ विकास। डेफिनेटली ये ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा ये काम हो रहा है, ये और ये जो योगी जी की वजह से ये कॉरिडोर का भी ओके हो चुका है। तो इट्स ए वेरी बिग न्यूज फॉर अस, हमें बहुत ही खुशी होती है। और मानते हैं कि बनना चाहिए, हम लोग बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे, अभी ये काम हो रहा है। काशी कॉरिडोर के पैटर्न पर प्रस्तावित बांके बिहारी कॉरिडोर की सीढ़ियां चढ़ते ही इसकी खूबसूरती भी बढ़ जाएगी। कदंब और करील के पौधे कॉरिडोर में अपनी आभा बिखेरेंगे। कॉरिडोर के साथ ही बांके बिहारी मंदिर के परिक्रमा मार्ग को भी नया स्वरूप दिया जाना है। इसके लिए भी बिहारी जी के आसपास की जमीन भी आपसी सहमति से ली जानी है। 8 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में बिहारी जी कॉरिडोर को लेकर सुनवाई हुई। इस सुनवाई पर कोर्ट के सामने जिला प्रशासन ने कॉरिडोर का प्रेजेंटेशन दिया। इसमें बताया गया कि अभी बांके बिहारी मंदिर परिसर मदन मोहन मंदिर ट्रस्ट के नाम पर है। प्रस्तावित कॉरिडोर गेट संख्या 1 से लेकर यमुना क्षेत्र की ओर 5.65 एकड़ जमीन आपसी सहमति से लेकर उस पर कॉरिडोर का निर्माण कराएगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने भी इसका प्रेजेंटेशन दिया था। 5 की आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी पुनीत।